और शिवसेना के बीच तो मामला फंसा ही है, कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनसीपी ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन महागठबंधन के बाकी दलों को भी सीटें देनी है। ऐसे में कोई एक राय नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मुंबई में शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से कांग्रेस और एनसीपी 20-20 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन 8 सीटों पर ही बात अटकी हुई है। इन 8 सीटों में से 4 एनसीपी चाहती है, लेकिन कुछ सीटें सहयोगी दलों को भी देनी है, इसलिए बात यहीं फंसी हुई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां भी एनसीपी के साथ चुनाव लड़ें, ये उनकी कोशिश है। एक तरफ तो कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर ला रही हैं, पर बीजेपी विरोधी होने के बावजूद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राज ठाकरे और नारायण राणे से हमारी कोई बात नहीं हुई, यानी कि राज्य में बन रहे गठबंधन में एमएनएस को साफ नो एंट्री कह दिया गया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोगों ने प्रारंभिक चर्चा करके करीब 40 जगह पर जो पारंपरिक कांग्रेस और हम लड़ते आए उसके ऊपर हमारी तैयारी हमने ऑलरेडी की है, और बाकी की जो जगह है 8 जगह है हम हमारे दूसरे मित्र पक्षों के लिए चर्चा होने के बाद हम फाइनल करने की तैयारी में है। होने का सवाल ही नहीं है। जो दूसरे और एनडीए में आज जो लोग बैठे हैं, एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ, नारायण राणे साहब की बात कर रहा हूँ, वो उस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो एनडीए के पार्टनर हैं, उनके साथ हमारी जब तक वो कोई छोड़े नहीं तब तक बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जहाँ तक एमएनएस का सवाल है, एमएनएस से कोई हमारी कोई चर्चा हुई नहीं है और मुझे कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि एमएनएस की और हमारी कोई बात है।